जबलपुर के मानस भवन में गढ़वाल मेहरा समाज के द्वारा वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश और प्रदेश के मेहरा समाज के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद हुए। वहीं इस कार्यक्रम में जबलपुर शहर के जनप्रतिनिधि समेत जबलपुर शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मेहरा समाज के युवक युवतियों के द्वारा विवाह को लेकर अपना परिचय किया गया। वहीं मेहरा समाज के द्वारा ऑनलाइन पद्धति से विवाह के लिए अपना बायोडाटा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। वहीं जानकारी देते हुए राधे झारिया मेहरा समाज के प्रतिनिधि ने बताया कि समाज के लिए कार्य करते हुए उनके युवा साथियों के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। उसी क्रम में वैवाहिक सम्मेलन का आयोजन मानस भवन प्रेक्षागृह में किया गया है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों से आए युवक युवतियों के द्वारा इस सम्मेलन के माध्यम से अपना परिचय दिया जा रहा है। वहीं समाज की पत्रिका के माध्यम से भी युवक युवतियों का परिचय कराया जा रहा है। ऑनलाइन ऐप और वेबसाइट के माध्यम से भी युवकों का परिचय शादी विवाह समारोह के लिए किया जा रहा है। लगातार इस कार्य के लिए समाज के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। आज मेहर गढ़वाल समिति द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा गया, जिसमें सभी सामाजिक बंधुओं ने, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यह बड़ा ही सार्वगर्गत काम है और आज के युवाओं में ये प्रेरणा और ये जन जागृति का अभाव है। इसी प्रकार से मेहरा समाज में हमारे बिजनेस की तौर और जो आजकल डिजिटल इंडिया चल रहा है इसके तौर पर sagunji.com करके मयंक झारिया एवं नर्मदा झारिया जी ने एक राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ऐप डाउनलोड किया है, जिसके माध्यम से सभी लोग अपने घर बैठकर ही युवक युवती का जो भी बायोडाटा है वो घर बैठकर ही देख सकते हैं। ये मेहरा समाज के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि आज हमारे युवा सभी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, चाहे धरातल क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो युवाओं का बढ़ चढ़ के हिस्सा है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, और एक क्रांति की शुरुआत हो रही है। और मैं चाहूँगा कि मेहरा समाज आगामी समय में एक क्रांति का आगाज करे और इस क्रांति के लिए सभी युवा एक साथ और एकजुट हैं। राधे झारिया।